जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का 2024 हेतु जो डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हो रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन है। इसका मैंने कंप्लीट जो है दोस्तों आपको बता दें, 35 के 35 जो है हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर और प्रीवियस ईयर करा दिया। यदि आप नहीं देखें तो वो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण है। 2022 से 2023 का जितने भी प्रीवियस ईयर था मैंने करा दिया है यूनिक पब्लिकेशन का। और बता दें, रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी मैंने सारे सेट करा दिया है, जिसमें 20 सेट प्रैक्टिस था, जिसमें 3 जो था मॉडल प्रैक्टिस सेट था मैंने करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो वो देखिए, अति महत्वपूर्ण सेशन है वो। और देखिए दोस्तों, इसका जो मैंने प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट का मैराथन क्लासेस भी चला रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी अति महत्वपूर्ण है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, यदि आप नहीं देखे तो उसे जरूर देखिए। एग्जाम से पहले तो मैराथन क्लासेस एक बार जरूर देख के जाइए। तो आज के मैराथन क्लासेस जो होने वाली है दोस्तों, वो इंग्लिश की होने वाली है। किस चीज़ का? इंग्लिश क्लासेस होने वाली है आज। लगभग 1 घंटे 20 मिनट की यह क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर में एक से लेके और दस तक के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का आज हम लोग इंग्लिश सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आपको पता है कि एक सेशन में लगभग 20 क्वेश्चन रहती है इंग्लिश का, तो हम लोग 10 सेशन करने वाले हैं, यानी लगभग टोटल आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को मिलेगा 200। तो आइए इस 200 क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर हम लोग कल करेंगे दोस्तों 11 से लेकर 20 तक का, इसमें भी लगभग 200 पूरे के पूरे रहेंगे इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों मैं मैराथन मैथ्स का भी करा दूंगा आपको, और रीजनिंग का भी करा दूंगा, ऑल सब्जेक्ट का। अब सारे क्लासेस होंगे स्टार्टर से, तो आज से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इस सेशन को, इंग्लिश के क्लास सेशन को, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट आता है हम लोग का, इसमें हम लोग इंग्लिश सॉल्व करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग इंग्लिश को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। देखिए, जनरल इंग्लिश में पहला प्रश्न बनता है हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है फ्रेज देखिए, समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑक्यूरेंस। इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनने वाला है, आंसर क्या बनेगी? आंसर राइट आंसर ए होगा, एस्पेक्टर। एस्पेक्टर मीन्स होता है क्या है, इसका मतलब होता है कोई आगामी संकट, मतलब जो आने वाली आगे संकट है वो होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है क्या? द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा गिल्टी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे होगा द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अगला प्रश्न हमारा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। क्या है फ्रेज देखिए, वन हु इज आउट गोइंग, वन हु इज आउट गोइंग। आंसर क्या बनेगा इसका? तो राइट आंसर इसकी होगी क्या? आंसर इसकी बनेगी ऑप्शन नंबर सी, है ना, वैगाबॉन्ड होगा, वैगाबॉन्ड आंसर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वैगाबॉन्ड मतलब होता है क्या? घुमंतू होता है ना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा देखिए, लेट्स गो आउट नाउ इट इजंट डैश एनीमोर। आंसर क्या बनेगी इसकी? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग होगा। लेट्स गो आउट नाउ इट इजंट रनिंग एनीमोर। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर टू मैग्निफिसियंट वेलकम। आंसर बनेगी क्या? आंसर हम लोग की बनेगी, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगी, जुबलियंट। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है? तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा सेंटेंस है। देखिए इसमें सेंटेंस हमें मिल रहा है ऑप्शन सी, माई ब्रदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट केक्स।
आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पिल्ड इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। क्या है सेंटेंस हमारा? इच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबियल आफ्टर द मैच वॉज ओवर। तो कौन सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है? आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रिसीव अ मेमोरेबियल यहाँ पे गलत होगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है क्या? द पीपुल फ्रॉम सब कंटेंट आर वेरी डैश। आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, सुपरस्टिशियस। आंसर डी बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंधविश्वासी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। सेंटेंस क्या है हमारा? कि कियारा विल सिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। आंसर बनेगा क्या हमारा? तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइन बाई अ कियारा टुमारो। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन अ ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? द यूनिवर्सिटी टीम वोन द मैच इन द एंड विथ अ डैश कनिंग मूव। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा स्लिक। आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, स्लिक। स्लिक मतलब होता क्या है? एक नाउन है, यानी चालाकी, कपट। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ एक्टिव वॉइस। सेंटेंस देखिए क्या है? अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाई भवानी यस्टरडे। आंसर बनेगा क्या हमारा? एक्टिव वॉइस में करना है चेंज हमें, तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी नंबर, है ना, कि भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द डोनोटेशन ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। देखिए सेंटेंस क्या है? द गिल्ड ऑफ अ बिजनेसमैन इज अ वेल नोन टू हिज कंटेम्पोरेटरीज। आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? जो हमारा बोल्ड यानी हाइलाइटेड जो वर्ड है उसके लिए यूज करना है। गिल के लिए क्या होगा यहाँ पे यूज? ऑप्शन नंबर, गिल का अर्थ होता है धोखा यानी छल, कपट करना। तो आंसर हमारा बनेगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइन हो जाएगा यहाँ पे, स्लाइनिस। आंसर ऑप्शन होगा सी हमारा, इसका मतलब ही कपट ही होता है। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? अ वाइज किंग्स विजडम डैश द लैंड लाइक अ सन। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेट्स। आंसर यहाँ पे बनेगा इल्यूमिनेट्स, मतलब ज्ञान का प्रकाश देना। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्रेंड फूड। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर होगा ए, एडवाइज्ड। आंसर ए होगा, एडवाइज्ड। अगला देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? अ डैश माइंड रेयरली मीट्स अ डेड एंड इफ कंटिन्यू द सर्च ऑफ द सर्च फॉर द आंसर। आंसर बनेगा क्या हमारा? देखिए ऑप्शन नंबर, राइट आंसर इसमें बनेगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पे बी, कॉरियस होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? और डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपुल। आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा कन्वर्सेशन। आंसर कन्वर्सेशन, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखें कि पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? वी सॉ अ क्लोन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड ट्राइंग टू डू अ डेयरिंग स्टंट।
आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखें, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? द ट्रम्पेट्स साउंडेड एंड द जज गेव द नाइट्स द सिंगल टू बिगिन। आंसर बनेगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर? राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन है इसमें? साउंडेड है और गेव है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। अगला प्रश्न देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स टू सेंटेंस इन टू अ वन सिंपल सेंटेंस। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए, रॉबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। आंसर बनेगा क्या हमारा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कि रॉबिन माई फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे इसे हम लोग? ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्सक्लामेटरी मार्क्स होगा ये, इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। अगला जो आता है हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, तो देखिए इसमें भी हमारा इंग्लिश का क्या है प्रश्न? देखिए इंग्लिश में पहला प्रश्न बनता है हम लोग का, जनरल इंग्लिश में पहला प्रश्न है क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए फ्रेज मेरा क्या है, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना, है ना? इसका क्या मतलब होता है? अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना। तो आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, है ना? राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कि मेक वंस फीलिंग एप्रियंट। अगला प्रश्न देखें, कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या है सेंटेंस हमारा? शेक्सपियर डैश डिस्प्ले। तो आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा यहाँ पे रोट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोट होगा कि शेक्सपियर रोट डिस्प्ले। अगला प्रश्न देखें, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस हमारा? द डैश ऑफ द म्यूजियम शॉर्ट बाई सम एंशियंट क्वाइंस। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉरेटर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कॉरेटर। अगला प्रश्न देखिए, कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। सेंटेंस क्या है? अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा एपिलियस। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी एपिलियस। इसका मतलब होता है नाटक करना, है ना, उपसंहार करना। अगला प्रश्न देखें, कि आइडेंटिफाई करना हमें सेगमेंट इन अ सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। देखिए ग्रामेटिकल एरर जो है उसे देखना हमें, तो द रोड वॉज ब्लॉक्ड सिंस इट वॉज इन रिपेयर्ड रिपेयर। आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा इन रिपेयर, है ना? आंसर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, इन रिपेयर। इन रिपेयर के स्थान पे क्या होगा? अंडर रिपेयर, है ना? क्या होगा? अंडर रिपेयर। अगला प्रश्न देखें, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? दे शोड हर द ग्रेटेस्ट डैश। आंसर बनेगा रिस्पेक्ट। आंसर बनेगा ए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, माई ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 acres ऑफ लैंड। एक्रेस ऑफ लैंड। तो आंसर बनेगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेटेड होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न देखें, कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस क्या है, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्दी साइंसेस। आंसर बनेगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस इज लाइकली टू अल्टरेड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन अ ह्यूमन बॉडी।
ऑन द ह्यूमन बॉडी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। हमारा आशा वॉज डैश मेड ऑफ अ फूल बाई हर फ्रेंड। आंसर क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यहाँ पे। डिलीबरेटली आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गई, यानी जानबूझ करके। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस क्या है, यू नेवर हिट ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर्स। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। अ हैप्पी बिलियनियर्स इज अ नेवर हार्ड ऑफ। अगला प्रश्न देखिए द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है हमारा, सी इज ऑन 6 months डैश लीव। आंसर बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैटरनिटी। आंसर बनेगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैटरनिटी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है हमारा, द इजिप्टियंस डेवलप्ड वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिकाइंग। आंसर हो जाएगा डिकाइंग। अगला प्रश्न देखें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस हमारा क्या है, द मैन फेल्ट एक्सीटेड आफ्टर क्लाइंबिंग और डैश ऑफ स्टेयर्स। आंसर क्या बनेगी? फ्लाइट, ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लाइट। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या हमारा, बिसाइड्स हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यस होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में विथ यस होगा ना, यहाँ पे भी इसके बाद इस होगा, यानी किसी बिना किसी कठिनाई को आसानी से, मतलब इसका मतलब होता है बिना किसी कठिनाई से। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस हमारा है क्या, फ्रॉम दिस फीलिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। आंसर बनेगा क्या हमारा? इन फॉर, आंसर यहाँ पे बनेगा राइट आंसर बी होगा, इन। अगला प्रश्न देखिए कि पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस क्या है सेंटेंस हमारा, नो बडी कुड इंटर द बर्निंग हाउस टू डस द फ्रैगिंग फायर। आंसर बनेगा क्या हमारा? कुड इंटर, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस क्या है सेंटेंस हमारा, दे स्टूड अप टू सैल्यूट अनफर्डलिंग नेशनल फ्लैग। आंसर क्या बनेगी हमारी? ऑप्शन नंबर बताइए, राइट आंसर सी होगी, स्टूड होगी यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न देखें व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइपन इन अ सेंटेंस। आंसर क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर सी, टू कनेक्टेड द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन को पता है सेमीकोलन कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस बिलो। देखिए ऑप्शन सी होप्स टू सक्सीड, तो आंसर बनेगा क्या यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर सी सक्सीड, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें तो अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आता है। तो देखिए सेट 3 में जो जनरल इंग्लिश है इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है क्या मेरा, कि मदर कट्स वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ। आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विथ, ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा डी, माई मदर कट्स वेजिटेबल विथ अ नाइफ। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें।
अ वोमेन्स रियल कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन एनीवेयर एल्स। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हम लोग का? तो राइट आंसर यहाँ पे हिज जो है, हिज इसके स्थान पे हर आना चाहिए, तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? इन हिज हाउस होल्ड है ना, यहाँ पे हिज के जगह पे हर रहता तो ये सही रहती। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है क्या मेरा, द टेलीफोन वॉज डैश बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का खोज कौन किए हैं ना, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। आंसर क्या बनेगा हमारा, इवेंट किए है ना, यानी खोज किए, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। देखिए क्या है हमारा ग्रुप, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हम लोग का, डर्मेटोलॉजी। किसमें किया जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ एक्टिव वॉइस। देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, हैज़ अ असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। आंसर क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पे, तो आंसर बनेगा हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न बनता है हम लोग का कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड मेंटेन्ड इन द ब्रैकेट्स। देखिए सेंटेंस क्या है, द पार्टी वॉज सो अमेजिंग दैट एवरी वन डैश हेटेड लिविंग इट। आंसर क्या बनने वाला है हम लोग का, तो आंसर बनेगा हम लोग का लोथेड। आंसर बनेगा लोथेड, इसका साइनोनिम होगा। अगला प्रश्न देखें हेटेड का, अगला देखें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस इसको चेंज करना है हमें, कॉफी इज सिप्ड बाय मी। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी सिप कॉफी, आंसर ए होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है अगला प्रश्न कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है मेरा, द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रिनोवेटेड इन 2020। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर सी। देखिए दे रिनोवेटेड द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 2020। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवेन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स इज बैंड फॉर एथलीट्स एज इट कैन बी डैश प्रिलियस। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगा हम लोग का ट्रीचर्स। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा द रूफ डैश द वेट ऑफ द स्नो। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी कोलैप्स्ड अंडर। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब अचानक ढह जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसका गिव अवे भी लिख सकते थे। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, ही सेड इट इज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। आंसर क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर बनेगा हम लोग का सी। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट बिफोर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा टीम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश इन द टैलेंट शो। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा पार्टिसिपेटेड, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी
हैज बीन डैश मच डिबेट। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यह एक सब्जेक्ट है, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर डैश। आंसर क्या बनेगी? आंसर बनेगी लिजिबली, आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इसका मतलब होता है अस्पष्टता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द डैश ऑफ ए स्टूडेंट्स। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा कनेक्ट्रेशन, कंस्ट्रेशंस। आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है हमारा, डिड यू सी दैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर डैश वेदर आई डैश दैट रेड कार। आंसर क्या बनेगी? आंसर बनेगी आस्क्ड मी हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यस्टरडे कॉमा आई मीट अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई करना हमें टेंस यूज का जो दिया हुआ है टेंस। समथिंग पिक्ड माई पॉकेट। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बनेगी, ये एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो सिंबल है ये क्या चीज का है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग क्लोन। वही यदि ऐसे रहता तो इसे कहते हैं हम लोग सेमी क्लोन। फुल स्टॉप को पता ही है, क्वेश्चन मार्क तो पता है, इन्वर्टेड कॉमा तो पता ही है आपको। अगला प्रश्न देखिए कि विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन मार्क। आंसर क्या बनेगी? आंसर ऑप्शन ए होगा, यू स्टडीड ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला जो हम लोग का सेट आता है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आता है। इसमें देखिए क्या इंग्लिश बनता है। तो देखिए इसमें जनरल इंग्लिश में प्रश्न बन रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवेन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। सजेस्ट सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन अ एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, हैव द कार स्टॉलन, मतलब कार जो हुई चोरी हो गई। तो आंसर क्या बनेगी हमारी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, गेट सम वन टू स्टील द कार। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। सजेस्टेड सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक अनवाइज। तो टीचर कह रहे हैं क्या स्टूडेंट से, हल्ला मत करो। तो ये क्या हुआ एक तरह से, ये सजेशन देना हुआ ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सजेस्ट करना। तो देखिए आते हैं हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा हम लोग का ऑप्शन राइट हो रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। द टीचर वार्न्ड, है ना, आदेश दे रहे हैं, वार्न द स्टूडेंट, वार्निंग कर रहे हैं कि स्टूडेंट नॉट टू मेक अनवाइज, हल्ला नहीं करो। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि टीचर सजेस्ट थोड़ी करेंगे, वो क्या करेंगे, डांटेंगे यदि कोई गलत करते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, विल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सील्स। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टेड। सील्स को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने का काम। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, अ पर्सन हु ईट्स टू मच। इसके लिए कौन सा वर्ड ग्रुप आएगा, इस वर्ड ग्रुप के लिए वर्ड? ऑप्शन नंबर बनेगा सी, ग्लूटन। ग्लूटन का अर्थ होता क्या है, खब्बू होता है, मतलब पेटू होता है, बहुत खाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट
वॉट टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, ही वॉज वेक्स्ड डैश द बिहेवियर ऑफ हिज डाउटर। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पे फोर, ऑप्शन ए होगा, फोर होगा। ही वॉज वैक्सड फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज डाउटर। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम। क्या है हमारा आइटम? हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता क्या है? तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है नियम, मतलब नियम होता है, कठोर नियम होता है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर आप देखाइए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, स्ट्रिक्ट। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, एज सून एज द ओपन द केजेस द बर्ड्स डैश। आंसर बनेगा हम लोग का फ्लू अवे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवेन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है हमारा, द इंसिडेंट वॉज नैरेट बाई सम बडी टू नरेश। ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा कि सम बडी नैरेट द इंसिडेंट टू नरेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, द ब्यूटी ऑफ फोर फेस्टिवल लाई इन यूनिटी इन डैश। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इन डाइवर्सिटी है ना। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवेन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस हमारा, यू हैव लॉस्ट योर नोटबुक, मतलब तुमने अपना नोटबुक गुम कर दिए। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यू योर नोटबुक हैज़ बिन लॉस्ट। ऑप्शन राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, द डैश ऑफ द वर्कशीट्स इज नॉट एंड इजी जॉब। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर डी बनेगा, रिकॉन्सिलेशंस। ऑप्शन डी होगा, इसका मतलब होता क्या है? मतलब सामंजस्य, सुलह करना है ना, मेल मिलाप करना। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, दिस एंटिक स्कल्चर इज इंडेड डैश प्राइसलेस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, ही रैन टूवर्ड हिज मदर डैश एंड ह्यूज्ड हर। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा जेली, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका मतलब होता है खुशी खुशी, मतलब प्रसन्नता से। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, विजिटर कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश शालीमार गार्डन्स। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मतलब देखने आते हैं जो भी विजिटर्स हैं विश्व के, वो शालीमार बाग को क्या करने देखने आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब्स गिवेन इन सेंटेंस। तो आइए हम लोग फाइनाइट वर्ब को ढूंढते हैं इस सेंटेंस में, ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए, टू एयर टू ईयर इज ह्यूमन, टू फॉर गिव डिवाइन। इसमें कौन सा हमारा फाइनाइट वर्ब है? ऑप्शन नंबर बनेगा आपकी बी, फाइनाइट वर्ब इज है। अगला देखिए, हमें नॉन फाइनाइट वर्ब निकालना है। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, देने से अच्छा क्या है? लेना, कि लेने से अच्छा देना। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग का क्या आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, राइट आंसर बनेगा डी, गिविंग और रिसीविंग दोनों हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अगला प्रश्न देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अल्लास ये एक्सप्रेशन है हमारा, माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर, है ना। ये एक्सप्रेशन किया जा रहा है क्या, ये यहाँ पे दुखी व्यक्त किया जा रहा है कि हे भगवान, क्या है कि वो जिनसे मैंने, जो हमारे प्रिय नेता थे वो अब नहीं रहे, है ना। तो उसके लिए कौन सा एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज होगा? ऑप्शन नंबर राइट ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें, क्या है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज सिंबल ऑफ अ सेमी क्लोन। अभी आपको बताया हमने, सेमी क्लोन का ये होगा, क्लोन का ये होगा, फुल स्टॉप ये कॉमा फुल स्टॉप का है, और ये पूरे स्पष्ट ये हाइफन है ना,
तो आंसर हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे डी बनने वाला है, क्योंकि सेमी कोलन पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है मेरा, ही सेड आई हैव लिव्ड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस है हमारा ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैड लिव्ड। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि व्हाट वुड यू यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लोजेस। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेमी क्लोन। राइट आंसर ए होगा यहाँ पे, सेमी क्लोन का यूज। अगला प्रश्न देखें तो अगला जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आता है, पांच नंबर आता है जनरल इंग्लिश, जिसमें प्रश्न बनता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। आइटम क्या है हमारा, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब होता है कि तत्क्षण होता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा इंस्टेंटली, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है वी वेयर ऑफ हिम ही इज एज अ स्लाई एज अ डैश। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, फॉक्स बनेगा। और स्लाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्लाई का मतलब होता है कपटी कुटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवेन आइटम। क्या है आइटम हमारा, स्पील द हेंस, स्पील द बीन्स। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भेद खोलना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा टू लीक द सीक्रेट, आंसर ही बनेगा। सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम, सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। आंसर बनेगा हमारा रूट, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, रामू वेंट विथ हिज फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप टू डैश न्यू पाथ। आंसर बनेगा एक्सप्लोर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है, पैगमिलियन वॉज रिटन बाई जीबी सॉ। आंसर हमारा बनेगा सी, जीबी सॉ रोट पैगमिलियन, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाई द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा ए, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, आंसर ई बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है, एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, वी शुड डैश हिज आउटफिट एज ही वॉज पुट ऑन वेट। आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर बनेगा इसमें अल्टर, राइट आंसर हो जाएगा बी अल्टर। अगला देखिए कि सेलेक्ट द करेक्ट होमोनेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश। आंसर बनेगा हमारा सेंट, आंसर बनेगा ए सेंट। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वॉज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। आंसर बनेगा क्या, कॉन्फिडेंट, आंसर ये होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। आंसर बनेगा क्या, आंसर हमारा बनेगा परमिशन, आंसर बनेगा परमिशन, ऑर्गेनाइज द इवेंट तो परमिशन हो जाएगा सी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, आफ्टर आवर्स ऑफ डिसीजन
आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन द टीम डैश एट द सेम कंक्लूजन. आंसर बनेगा अराइव्ड. आंसर ए होगा. अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस. क्या है? क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा डी, थ्रिलिंग और क्लाइंबिंग हो जाएगा. अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस. क्या है? आउट सेल्वेशन, आउट सेल्वेशन लाई इन रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल ह्यूमिनिटी. आंसर बनेगा हमारा, आंसर बनेगा रियलाइजिंग. आंसर हो जाएगा सी, रियलाइजिंग. अगला देखिए, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. आंसर बनेगा हमारा सी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें. अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. क्या है सेंटेंस? आई हैव बीन वॉकिंग अलोंग द रिवर ही सेड. आंसर बनेगा ही सेड दैट ही डैश अलोंग द रिवर. तो आंसर क्या बनेगी हमारा? हैड बीन वॉकिंग. आंसर ए बनेगा. द ये सिंबल पूछ रहा है कि क्या है, तो ये सिंबल है एक्सक्लामेटरी मार्क. आंसर ए बनेगा. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज. तो क्या है? अकॉर्डिंग टू. आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा एज स्टेड बाई. आंसर क्या बनेगा? एज स्टेड बाई. अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के अनुसार, है ना. तो यहाँ पे बन जाएगा डी राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा टू सो डायरेक्ट स्पीच विद इन और नेक्स्ट. आंसर बनेगा ए. यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे आ चुके हैं हम लोग, जिसमें आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश का आता है, जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज. तो आइटम क्या है हमारा? द बॉल इज योर कोट. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अब तुम्हें निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है. इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? अब तुम्हें निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है. तो आंसर क्या बनेगा? इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव. आंसर बनेगा इसका ए. अगला देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस. आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस. क्या है हमारा सेंटेंस? मरियम वॉज वेटिंग अ नोट टू हर बॉस. आंसर इसका बनेगा, आंसर बनेगा अ नोट वॉज बींग रिटन बाई मरियम टू हर बॉस. आंसर सी बनेगा इसका. अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवेन आइटम. क्या है आइटम हमारा? टू कट बोथ इंड का मतलब होता है क्या है? दोनों पक्ष या फिर पहलुओं का समर्थन करना, है ना. इसका मतलब होता है दोनों पक्ष या दोनों पहलुओं का समर्थन करना. तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी, टू अरीव इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड. आंसर बनेगा बी. अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम. आइटम क्या है हमारा? टू गेट अवे विथ. क्या मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है बच निकलना या फिर भाग जाना. तो आंसर क्या बनेगा? टू एस्केप फ्रॉम समथिंग. आंसर बी बनेगा, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग. अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? डैश एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर. आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा एंड. एन एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? द प्रिसंसर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवेन दिस कारपेट्स. तो आंसर हमारा इसमें बनेगा क्या? आंसर बनेगा हमारा, दिस कारपेट्स हैज बीन वोवेन बाय द प्रिसोनर्स ऑफ द दिस जेल. तो आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा.
अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन ऑफ द गिवेन आइटम. सेंटेंस क्या है? लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. तो आंसर हमारे बनेगी क्या? आंसर बनेगी टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड. आंसर यहाँ पे बी बनेगी. और देखिए, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि झूठी अभिलाषा दिलाना, है ना. तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. क्या सेंटेंस? द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स. गार्डनर क्या बोल रहा है बच्चों को कि प्लीज कृपया कोई भी फूल को नहीं तोड़ना है. तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा द गार्डनर रिक्वेस्ट कर रहा है द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स. आंसर सी बनेगा. अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोसिएट वर्ड. क्या है? डैश ऑफ एडल्ट्रेट फूड स्टफ बींग सोल्ड इन द मार्केट. आंसर बनेगा हमारा वी वेयर. आंसर बनेगा वी वेयर ऑफ एडल्ट्रेट फूड स्टफ बींग सोल्ड इन द मार्केट. अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट भव या भव्स इन द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? द ब्रोकन मिरर रिफ्लेक्टेड दिस इमेजेज इन अ डिस्ट्रॉयड मैनर. आंसर बनेगा हमारा रिफ्लेक्टेड. आंसर बी हो जाएगा रिफ्लेक्टेड. विच पंचुएशन मार्क इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड. आंसर क्या बनेगा? क्लोन आपने देखा है दोनों फुल स्टॉप जैसे होता है ऊपर नीचे, और सेमी क्लोन एक फुल स्टॉप और एक कॉमा रहती है सेमी क्लोन. अगला देखिए, वॉट काइंड ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. क्या है सेंटेंस? क्लोजिंग द डोर सॉफ्टली ही लेफ्ट नेवर टू रिटर्न अगेन. आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगा इसका नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर पार्टिसिपल. आंसर यहां पे क्लोजिंग जो होगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब और पार्टिसिपल होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? इफ द नेवर्स हैड नॉट डैश फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड. आंसर यहां पे क्या बनेगी? आंसर बनेगी प्रोवाइडेड. आंसर यहां पे बी हो जाएगा प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराना, है ना. स्टार्व का मतलब क्या होता है उसको? भूखे रहना. अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? मेनी स्टूडेंट्स आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स. आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा इंस्पायर्ड. आंसर सी होगा इंस्पायर्ड. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? अ सॉफ्ट ब्रेज ब्लोज एज द सन डैश इन द डिस्टेंट वेटर्स. तो आंसर हमारा बनेगा इसमें, आंसर बनेगा सीमर्स. आंसर बनेगा सीमर्स. सीमर्स मतलब क्या होता है? सीमर्स मतलब झिलमिलाना. अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. सेंटेंस क्या है? विनीत सेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी टूमोरो. तो आंसर क्या बनेगा? विनीत टोल्ड अस दैट डैश नॉट टू गो टू द पार्टी डैश. तो आंसर हमारा बनेगा इसमें ही वुड द नेक्स्ट डे. तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे कि विनीत टोल्ड अस दैट ही वुड नॉट गो टू द पार्टी द नेक्स्ट डे. आंसर ए बन जाएगा. अगले क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. क्या है सेंटेंस? द कैटल डैश ग्राजिंग इन द फील्ड. आंसर क्या बनेगा? आर. यहाँ पे हो जाएगा आर होगा. अगले क्वेश्चन देखिए, क्या है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस. तो क्या है आइटम फ्रेजेस? अ ब्लेसिंग इज डिसयूज. तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगा अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट. आंसर डी बनेगा. अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉमा इन द सेंटेंस. तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगी टू सेपरेट वर्ड इन अ लिस्ट. आंसर यहाँ पे डी बनेगा. अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. इंडिया डैश अ बिग कंट्री. आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर इसके बन जाएगी इज. इंडिया इज अ बिग कंट्री. मॉडल प्रैक्टिस 1 नंबर 7 को जनरल इंग्लिश है.
देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। क्या है देखिए, टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कोई मुश्किल काम करना जिसे करने में पहले हिचकिचाहट रही हो। तो आंसर यहां पे बनेगा टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज बीन हेजिटेटिंग ओवर, आंसर बी होगा। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है, टू शूट अ डोर, टू शूट अ डोर विंडो और लीड फोर्सफुल्ली एंड लाउडली, आंसर यहां पे क्या बनेगा, आंसर यहां पे बन जाएगा टू एस्लैम, आंसर यहां बनेगा टू एस्लैम। एस्लैम का मतलब होता है धड़ाक से दरवाजा खिड़की बंद करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस क्या है, डायनासोर्स आर एन डैश स्पीशीज नाउ, आंसर क्या बनेगा हम लोग का, आंसर बनेगा एक्सटिंक्ट, आंसर हो जाएगा ये एक्सटिंक्ट का यहां पे प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है क्या, लुप्त होता है ना। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है द बेबी बर्ड वॉज डैश बाई इट्स मदर, आंसर बनेगा हम लोग का सी, आंसर हो जाएगा अबैंडोनेड, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवेन आइटम, क्या है सेंटेंस हमारा, आइटम है द स्टोन्स थ्रो अवे, द स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है बहुत पास, मतलब कम दूरी पर, तो आंसर बनेगा हमारा बी, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्या है, ही वॉज ग्रेटली डैश बाई द नाइटमेयर सी हैड, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा पर्टुब्रेड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी पर्टुब्रेड मतलब होता है चिंता कर देना। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, क्या है हमारा सेंटेंस देखिए, द डिजास्टर मैनेज्ड, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रिक्वेस्ट द फ्लॉड विक्टिम्स, तो आंसर हमारी क्या बनेगी, आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे देखिए, आंसर बनेगी बी, द फ्लॉड विक्टिम्स आर रिस्क्यूज्ड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, क्या है इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस क्या है हमारा, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सेड अरुण टू द रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा बी, अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन क्या है, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, आंसर क्या बनेगा, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है दोस्तों सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त या सम्मानित व्यक्ति, आंसर सी बना। अगला देखिए, द शॉर्टेस्ट पॉज इज रिप्रेजेंटेड बाई, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी, कॉमा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, क्या है हमारा सेंटेंस, वी प्रैक्टिस मेडिटेशन टू लाइब्रेट आवर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रैबिंग एंड इग्नोरेंस, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, लाइब्रेट और क्रैबिंग यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द वर्ब इज, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, क्या है सेंटेंस, द वीकेंडेड, द वीकेंडेड लिंक क्लाउड नेवर बी रेस्टोर्ड, आंसर बनेगा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब और पार्टिकल्स, नॉन फाइनाइट और पार्टिकल होगा यहाँ पे वीकेंडेड। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? राधा वाज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स. आंसर हमारा बनेगा एनेक्सियस. आंसर बनेगा सी एनेक्सियस, मतलब चिंतित. अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है हमारा? देखिए सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट. आंसर बनेगा हमारा ड्रैग. आंसर बनेगा यहाँ पे भी ड्रैग, मतलब घसीटना. अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. क्या है सेंटेंस? ऑल्थ्रो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट डैश वन एज अ पेट. आंसर बनेगा यहाँ पे एडॉप्ट. आंसर बी बनेगा एडॉप्ट. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है? ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट डैश विथ हिमसेल्फ. आंसर बनेगा पीस. आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीस. अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. क्या है क्वेश्चन? स्लो एंड स्टडी डैश द रेस. आंसर बनेगा हमारा विंस. आंसर विंस हो जाएगा. अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. सेंटेंस क्या है? इट इज डैश 8 o'clock. आंसर बनेगा अबाउट. ए हो जाएगा. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. क्या है सेंटेंस? सी गेव हिम हर आंसर नो डैश. आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा. आंसर डी हो जाएगा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट. क्या है हमारा सेंटेंस? शिबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना. तो आंसर क्या बनेगा? लीना डैश दैट शिबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स. आंसर बनेगा हमारा टोल्ड अस. राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोल्ड अस. सी हो जाएगा. तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोग सुनाता है हमारा जनरल इंग्लिश का आता है. देखिए इसमें प्रश्न क्या है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच. आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच. देखिए क्या है सेंटेंस हमारा. सेंटेंस है यहाँ पे हमारा कि रिया सेड आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर. तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बनेगी रिया सेड दैट सी हैड बाउट दैट फोन फॉर हर फादर. आंसर बी बनेगा. अगला प्रश्न क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. सेंटेंस क्या हमारा? सुरेश इज डैश इन कलेक्टिंग स्टैंप्स. आंसर क्या बनेगा? इंटरेस्टेड. आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा इंटरेस्टेड. अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडेमिक एक्सप्रेशन गिवन. क्या है हमारा आइडेमिक? तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कैच रेड हैंड डेड. कैच रेड हैंड डेड इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि अपराध करते हुए, यानी रंगे हाथ पकड़ाना. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? बी कैच इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल. आंसर बनेगा बी यहाँ पे. अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम. क्या है हमारा आइटम? टू बी ऑल ईयर्स. टू बी ऑल ईयर्स मतलब होता है कि उत्साह पूर्वक सुनना. तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए टू बी रेडी. टू बी रेडी एंड एगर टू लिसेंट. आंसर बनेगा ए. अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. सेंटेंस क्या है हमारा? हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन. तो आंसर हमारी इसमें क्या बनेगी? आंसर बनेगी सफिशियंट. आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सफिशियंट. अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच इसमें देखना हमें. तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं. क्या है हमारा सेंटेंस? है हमारा कि वेयर डिड द चिल्ड्रेन लिव देयर रिकॉर्ड बुक्स. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट. आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसकी बनेगी सी होगी. द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रेन हैड लेफ्ट देयर रिकॉर्ड बुक्स. आंसर सी बनेगा. अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस गिवन इन सेंटेंस इन एक्टिव
और पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस देखिए क्या है, हमारा सेंटेंस है द सेंट्रल टीम विजिट 8 विलेजेस इन द स्टेट ऑफ इन द स्टेट टू असेस इन द असेस असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। आंसर हमारे इसमें क्या बनेगी, आंसर बनेगा 8 विलेजेस इन द स्टेट वेयर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम टू एक्सेस द डैमेज टू द क्रॉप्स, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विच मार्क कैन बी यूज्ड आफ्टर एब्रिविएशन। आंसर क्या बनेगी इसमें, आंसर हमारा बनेगा फुल स्टॉप, आंसर बनेगा फुल स्टॉप ए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस है हमारा कि द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आंसर इसमें क्या बनेगी हमारी, आंसर बनेगी डिस्क्लोज, आंसर बनेगा डिस्क्लोज, आंसर ए होगा। अगला देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो सेंटेंस हमारा क्या है, इन द जंगल ही सॉ अ डैश ऑफ वोल्व्स। तो आंसर क्या बनेगी इसमें, आंसर हमारी बनेगी पैक, आंसर पैक होगी। इन द जंगल ही सॉ अ पैक ऑफ वोल्व्स, आंसर बी होगी। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, दे वेयर डैश ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन। आंसर बनेगी हमारी इसमें अवेयर, आंसर अवेयर होगी। अगली क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड्स। तो आंसर इसमें बनेगी क्या, आंसर बनेगी ड्राइव, आंसर हो जाएगी इसमें ड्राइव होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डैश मिस्ट्री। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी डिमिनेसेस, आंसर बनेगा डिमिनेस, आंसर ए हो जाएगा डायमिनेसेस। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, दिस इज द डैश क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन। आंसर बनेगी क्या इसमें, आंसर बनेगी फाइनेस्ट, यहाँ पे दिस इज द फाइनेस्ट क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन, आंसर ए होगी। अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड टू वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ही वेंट, सेंटेंस हमारा है, सी वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द गोल्डन स्प्रिंग। आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर हमारे होगा नॉन फाइनाइट वर्ब और एन इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट हो जाएगा, आंसर बनेगा डी। अगली प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज टू अगेन स्ट्रेथ एंड स्टेमिना। आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर इसमें बन जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब है और जेरंड है, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, वी वुड हैव रेंटेड द कार ऑन कंडीशन दैट इट डैश सो एक्सपेंसिव। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी हैडंट बीन, यहाँ पे आंसर बनेगा सी हैडंट बीन। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सेंटेंस क्या है, वर्कर्स डैश डे एंड नाइट वर्क। तो आंसर क्या बनेगी हमारी इसमें, आंसर बनेगी हैव बीन वर्किंग, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस। आंसर क्या बनेगी इसमें, आंसर बनेगी टू शो डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट, आंसर ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, देखिए कौन सी इसमें करेक्ट है। तो आंसर हमारी आएगी इसमें बी, व्हेन आई वॉक अप कॉमा ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। आंसर हमारी होगी यहाँ पे बी। दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक तो पहुंचेगी। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है जनरल इंग्लिश का आता है, तो आइए इसमें प्रश्न देखते क्या है।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम या फ्रेज। तो हमारा आइडम्स इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का मतलब होता क्या है, राइज एंड साइन का मतलब होता है कि किसी को सुबह नींद से जगाने के लिए किया जाता है, किसी को सुबह में नींद से जगाने के लिए राइज एंड साइन। तो आंसर इसकी बनेगी क्या, आंसर बी होगी, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वॉकिंग समवन अप, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, विथ हिज पॉलिटिकल डैश द पार्टी प्रेसिडेंट डिफिटली हैंडलेड द रेबिलियन, आंसर बनेगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सैगेस्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है हमारा सेंटेंस, द अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे, आंसर क्या बनेगा, इनसाइट, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवेन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, द हाई कोर्ट जज डैश द ऑर्डर पास्ड बाई द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, क्वेसेड, क्वेसेड का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। तो क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा इट इज रेनिंग यूजुअली हार्ड, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, एज फार एज ही इज डैश He will love to attend the party. आंसर बनेगा हमारा concerned. आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि select the correct indirect form of the given sentence. क्या है sentence हमारा? Mother said to Megha, leave for your office now. आंसर बनेगा हमारा, Mother told Megha to leave for your office now. आंसर ए होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, सी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, आंसर बनेगा हमारा अटेम्प्ट, अटेम्प्ट हो जाएगा, ए होगा आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, द अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंडेड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट, आंसर बनेगा हमारा, आंसर इसमें बन जाएगा सी, तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिस फॉर जंपिंग द रेड लाइट। अगला प्रश्न देखिए, विच मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट इन अ सेंटेंस। आंसर क्या बनेगा इसमें, डैश, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, प्लीज डैश माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन, आंसर बनेगा बी, रिन्यू, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द कंपनी इज गोइंग टू डैश द नॉर्थ सी फॉर ऑयल, आंसर बनेगा एक्सप्लोर, बी हो जाएगा आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द पुलिस डैश द फॉरेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट, प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, प्रिवेंटेड, आंसर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, Suddenly it started raining and I dashed an umbrella from the office. Answer बन जाएगा
ब्रॉड आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट डैश एडमिरेशन। आंसर बनेगा यहाँ पे भी एडमिरेशन, मतलब श्रद्धा से। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, द बॉय वॉक्ड एट अ फास्ट डैश। आंसर बनेगा पेस, आंसर बनेगा ए पेस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वॉट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवेन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, द टिकिंग क्लॉक अवेकनेड द गर्ल फ्रॉम हर सिएस्टा। तो आंसर बनेगा क्या इसमें, आंसर हमारी बनेगी फाइनाइट वर्ब, आंसर ए हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, सी एग्जामिन्ड द एविडेंस टू फाइंड द मिसिंग लिंक। आंसर बनेगा हमारा ए, फाइनाइट क्या है एग्जामिनेड है और नॉन फाइनाइट क्या है टू फाइंड है, आंसर ए बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आंसर बनेगा बी, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव। आंसर बनेगा बी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है, ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा हमारा, ही सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा हमारा डी। ज्यादा सेट कीजिए, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जनरल इंग्लिश का। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवेन विथ ब्लैंक टू फिल इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट। तो ये देखिए क्या है क्वेश्चन, अल्टरनेटिव बीच अल्टरनेट आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा ऑप्शन, यू मे ट्राई बट सी इज टू डैश टू फॉल फॉर योर ट्रिक। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा इंटेलिजेंट, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि और ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर एक्सप्रेस थ्रो गेस्चर्स। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा पैंटोमाइन, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस, आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है देखिए, सेंटेंस है माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ सिक्स बेडरूम बेंगलो। तो आंसर इसकी क्या बनेगी, आंसर बन जाएगी डी, अ सिक्स बेडरूम बेंगलो इज गोइंग टू बी बिल्ट बाई माई फादर। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाई जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या बनेगी हमारी, आंसर बनेगी हैज बीन रिटेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है हमारा आइटम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा बी, टू ट्राई समथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर यहाँ पे बनेगी इसकी, आंसर क्या बनेगी इसकी डी, अ बैन ऑन
स्पीडिंग इन पब्लिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द इंडियन गवर्नमेंट? आंसर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? कोर्ट्स हेल्प इन द रिसोल्यूशंस ऑफ डैश इशूज। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? आंसर हमारा बनेगा बी, कॉन्टेंटियस यानी विवादास्पद। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, हाइपन इज शॉर्टर लाइन देन। आंसर बनेगी हमारी डैश, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। आंसर बनेगी क्या हमारी? आंसर बनेगी स्प्लैशिंग। आंसर बनेगी बी यहाँ पे, स्प्लैशिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड डैश दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। ऑप्शन क्या हो जाएगी राइट आंसर? एडमिटेड। आंसर डी बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। आंसर क्या बनेगी? विजिबिलिटी। आंसर बी बनेगी, विजिबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? कस्टमर्स डैश मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स। आंसर बनेगी हमारी यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगी डी, क्लेम। आंसर यहाँ पे बनेगी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? जंपिंग ओवर द फेंस द बॉडी द बॉय एस्केप्ड फ्रॉम द चार्जिंग बुल। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? आंसर बनेगी सी, फाइनाइट क्या है मेरा? एस्केप्ड है, और नॉन फाइनाइट क्या है? जंपिंग। तो आंसर बनेगी यहाँ पे सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक विनय सेड। तो आंसर क्या बनेगी? विनय सेड दैट ही डैश टू दिल्ली डैश। आंसर क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे? आंसर बनेगी हैड गॉन। विजय सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस वीक। आंसर बनेगी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है? रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो आंसर क्या बनेगी इसकी? देखिए आंसर यहाँ पे है, रमेश सेड दैट ही डैश, आंसर बनेगी हमारी ही लाइक्ड देन ही लाइक दैट फिल्म। आंसर बनेगी डी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो आंसर बनेगी हमारी वुड, यहाँ पे वुड हो जाएगी। इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई वुड रिमाइंड हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस हमारा? सेंटेंस है 10 times 6 डैश 60। आंसर बनेगी इज 60। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिसीसियस। इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है अच्छी चीज जो शुरू में खराब प्रतीत होती, अर्थात दुख के वेश में सुख। तो आंसर बनेगी क्या हमारी? आंसर बनेगी डी, अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? वन, सी ओपेंड द केज सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे। आंसर हमारी क्या बनेगी इसमें? आंसर बनेगी डी, ओपनिंग द केज सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा ऑप्शन? सेंटेंस है हमारा, विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। आंसर क्या बनेगी? फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट